धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इस बार व्हाइट से पर्यटकों को निराशा मिलने के आसार हैं। न्यू ईयर यानी नव वर्ष के उपलक्ष्य पर बारिश व बर्फबारी की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश के तापमान में वह नमी नहीं है जिससे कि आने वाले दिनों में बर्फबारी या बारिश हो। हालांकि 29 दिसंबर को भी नॉर्थ पाकिस्तान से सक्रिय हुए पश्चिमी हवाओं ने प्रदेश की ओर रुख किया था, लेकिन ये अधिक प्रभावी नहीं थी। हालांकि भारी तादाद में पर्यटक मैक्लोडगंज सहित आसपास के पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। पर्यटक नव वर्ष मनाने के लिए हर साल पर्यटन नगरी आते हैं और यहां से नव वर्ष का आगाज करते हैं। दिल्ली, पंजाब सहित कई स्थानों से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सीन, बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे सबको, बच्चों को भी बड़ों को भी इक्वली ट्रीट किया जाता है। हाँ मतलब उस बात का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, बाकी तो अभी तुरंत में तो सुना है कि बर्फ़ तो वहीं जाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट कब सीखा? अभी सीखा मैंने। मतलब बाहर निकल के पहाड़ों में मजा आता है ना, तो अच्छी जगह है, यही एंजॉय कर रहे हैं। कैंपिंग करेंगे, बॉन फायर वहीं अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ एंजॉय करेंगे। और फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूँ, ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, हम सारे दिल्ली से आए हैं, हमारा ग्रुप। इट वॉज अ वेरी ऑसम प्लेस। तो आपको कैसा, ये जगह कैसे लगी आपको? बहुत ही अच्छी जगह है। इनफैक्ट हम दिल्ली में ही हैं, वहाँ काफ़ी सर्द पड़ती है, ठंडी पड़ती है, तो यहाँ पे भी उससे ज़्यादा ही ठंडी है। और हम अभी तो हम बर्फ़ पे जा रहे हैं काफ़ी, फिर हमने शाम का सोचा हुआ है यहाँ पे केक कटिंग करेंगे, एंड यहाँ पर आकर देखेंगे यहाँ कैसा रहता है एटमोसफेयर, एंड यहाँ पे कैसी गैदरिंग रहती है, ये सब आकर देखेंगे। मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से, और यहाँ पे फुल एंजॉय किया है। अच्छी बर्फबारी है, पियोन गए हैं, ट्रैकिंग की है, कैंपिंग भी की है, बहुत फुल एंजॉय है। न्यू ईयर का लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया। थैंक यू। कहाँ से आए हैं? हम जींद से आए हैं। जींद से आए हैं, तो जींद एक जो है वो प्लेन इलाका है, यहाँ पहाड़ियाँ हैं, बर्फ दिखाई दे रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर आके। हाँ, तो यहाँ के जो पहाड़ है और यहाँ पर पेड़ की भी ज्यादा संख्या है। तो मौसम कैसा लगा आपको यहाँ? मौसम भी बहुत अच्छा है। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं? कौन कौन आया है आपके? मेरे मम्मी भी आई है, मेरे पापा जी आए हैं, मेरे ताऊ जी भी आए हैं, सब हम आए हैं एंजॉय करने के लिए आए हैं। करण, कहाँ से आए हैं? पंजाब से, फिरोजपुर। फिरोजपुर से, तो आप यहाँ पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं? 4 साल हो गए आपके को। बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा माहौल है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे आते हैं। इस बारी बर्फ नहीं पड़ी है, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लगता है कि माइंड फ्रेश होता है आने का, बहुत बढ़िया लगता है, फ्रेंड के साथ आते हैं, अच्छा लगता है। तो आप आज रात को कैसी सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं? बाकी सेलिब्रेशन बढ़िया करें, एक फ्रेंड का बर्थडे भी है, तो यहाँ पे आके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और केक वगैरह काटेंगे, सेलिब्रेट बहुत बढ़िया करेंगे, अच्छा लगेगा। हालांकि प्रशासन ने कई होटलों के मापदंड पूरे न होने के कारण बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए हैं, जिससे होटल व्यवसायी निराश हैं। इस बारे में होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिनेश कपूर ने बताया कि कई होटलों के बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए हैं, जिससे पर्यटकों को थोड़ी बहुत असुविधाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी यहां आने वाले पर्यटकों को सारी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।